नमस्कार, आप देख रहे हैं चक द क्रिकेट और मैं हूं राजमोहन तिवारी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को आप चाहे कितनी ही बड़ी सजा दे दीजिए, लेकिन वे अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले बॉल टेम्परिंग विवाद में ऑस्ट्रेलिया के तीन क्रिकेटरों स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। लेकिन लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, खासकर डेविड वार्नर, इस सजा के बाद भी कुछ नहीं सीख पाए हैं और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच हुए तीसरे टेस्ट में उन्होंने फिर से बेईमानी करने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद फील्ड अंपायर्स ने पकड़ लिया और इसकी सजा उन्हें और उनकी टीम को दी गई। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम तीन टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। पहले दो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए थे और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच में भी जीत दर्ज करने के लिए सारी हदें पार कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 454 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 256 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये विवाद शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया के दूसरी पारी में, जब डेविड वार्नर और मार्नस लबुशाने बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। उन दोनों को मालूम रहता है कि उनकी बल्लेबाजी के बाद आखिरी पारी में बल्लेबाजी न्यूजीलैंड को करनी है, इसलिए अपने गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों को फायदा पहुंचाने के लिए वे दोनों पिच के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। पहले मार्नस लबुशाने पिच के बीचों बीच पिच खराब करने के उद्देश्य से दौड़ लगाते हैं, जिसे वहां मौजूद अंपायर्स पकड़ लेते हैं और दोनों ही खिलाड़ियों को चेतावनी देते हैं कि वे दोबारा ऐसा ना करें, नहीं तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बेईमानी करने के आदि हो चुके डेविड वार्नर ने अपने टीम को किसी भी तरह जीत दिलाने के लिए पिच को खराब करने के उद्देश्य एक बार फिर पिच के बीचों बीच गुड लेंथ एरिया में दौड़ लगाने की कोशिश की, जिसके बाद नाराज अंपायर्स ने डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलियन टीम को पिच खराब करने का दोषी पाया और न्यूजीलैंड को 5 रन अतिरिक्त दे दिया। साथ में एक अतिरिक्त चेतावनी भी दी कि अगर फिर ऐसा हुआ तो दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम को अपनी इस रणनीति का फायदा मिला और उन्होंने आखिरी पारी में न्यूजीलैंड को मात्र 136 रनों पर ऑल आउट कर दिया और 3-0 से सीरीज अपने नाम कर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 120 अंक जोड़ कुल 296 अंक कर लिए और अब वे भारत से मात्र 64 अंक ही पीछे हैं। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।